पीछे जो देख रहे हैं ये पहाड़ी मंदिर है और आज आप मेरे साथ पहाड़ी मंदिर घूमिएगा। तो चलिए देखते हैं। रांची का पहाड़ी मंदिर रांची का आकर्षण है। ये धार्मिक जगह होने के साथ साथ देशभक्तों की बलिदान की जगह भी है। ब्रिटिश शासन काल में इस पहाड़ में आंदोलनकारियों को फांसी दी जाती थी, इसलिए पहाड़ी मंदिर का पुराना नाम फांसी टुमरी है। 15 अगस्त 1947 को आज़ादी के दिन रांची के इस पहाड़ी पर सर्वप्रथम कृष्ण चंद्र दास नामक आंदोलनकारी ने तिरंगा झंडा फहराया था। वर्तमान समय में यह पहाड़ी मंदिर के नाम से जाना जाता है। यह मंदिर जमीन से 350 फीट और समुद्र तल से 2140 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ऊपर चढ़ने के लिए कुल 468 सीढ़ियों को चढ़ना पड़ता है। अभी तक 300 सीढ़ी चढ़ चुके हैं और देखना है पता नहीं कितना सीढ़ी और है। बस चढ़ते जा रहे हैं चढ़ते जा रहे हैं। अभी और काफी ऊपर तक जाना है। बस चढ़ते चढ़ते हम थक गए हैं और सांस भी फूल रहा है। ये रहा 396 नंबर सीढ़ी। उसके बाद यहाँ तो लिखा हुआ नहीं है लेकिन चलिए गिनते हैं, एक गिनती करते हैं इस सीढ़ी का। 396 97 98 99 100 1 411 सीढ़ी चढ़ने के बाद आप यहाँ तक पहुँचेंगे। Thank you.
इस पहाड़ी मंदिर में भक्तों की लाइन लगी होती है और बहुत दूर दूर से भक्त यहाँ आते हैं। इस पहाड़ी मंदिर में भगवान शिव की लिंग रूप की पूजा होती है और सावन के महीनों में तो यहाँ पूजा के लिए बहुत लंबी लंबी कतारें लगती है। भारत का दूसरा सबसे ऊंचा तिरंगा फहराने का रिकॉर्ड भी इसी पहाड़ी मंदिर को जाता है। इसी पोल पर वो तिरंगा फहराया जाता है। करीब 411 सीढ़ी चढ़ने के बाद हमें बाबा का दर्शन हुए और ये काफ़ी कूल मतलब बहुत ही शांति प्रिय जगह है। आप यहाँ जब आएंगे तो आपका मन बहुत ही शांत हो जाता है और आपको काफ़ी अच्छा लगता है, आपको यहाँ घंटों बैठने का मन करेगा। तो आप आइए रांची, जब भी आएंगे आप तो पहाड़ी मंदिर बाबा का दर्शन करने जरूर आइए। पहाड़ी के ऊपर से रांची का नज़ारा कुछ इस तरह से दिखता है। दोस्तों जो मेरे चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि अगला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं। साथ ही साथ आप अगला वीडियो किस पर देखना चाहेंगे ये भी कमेंट सेक्शन में बताएं।